आइए दोस्तों, अत्तारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अत्तारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनके मुँह से खून आता है, ठीक है, या देखिए दोस्तों नाक से खून आता है या दांतों से खून आता है। तो मुँह से ब्लेड आने की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, इसके इस्तेमाल से मुँह से ब्लेड आना रुक जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ब्लेड आता किस बिना पर है, मुँह से या नाक से या दोस्तों दांतों से? इसके कई रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। लंबे समय तक खांसी का होना, उसकी बिना पर टीबी का बन जाना, ये टीबी की बिना पर भी मुँह से ब्लेड आता है। और एक होता है इन्फेक्शन, यानी कि गर्मी की बिना पर या हमारे खान पान की बिना पर गर्मी हो जाती है, उसकी बिना पर हमारे फेफड़ों पर इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी बिना पर मुंह से ब्लेड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। या दोस्तों ऐसा होता है, हम ज़्यादा गर्म पदार्थ इस्तेमाल कर लेते हैं, तरह तरह के जो लोग नशा वगैरह करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें जिससे हमारी आँतों पर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो मुँह से जो ब्लेड आता है वो कुछ इन पेट के इन्फेक्शन की बिना पर भी आता है, ठीक है। कई रीज़न हो सकते हैं, नाक से जो ब्लेड आता है वो दिमाग की नस फटने पर भी हो जाता है, या हमारे नाक के अंदर इन्फेक्शन होने पर भी नाक से खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सारी समस्याएं हो जाती हैं अगर आपको टीबी की बिना पर या ज़्यादा ब्लेड आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत ही आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। आप जांच वगैरह कराएं, और सबसे बेहतर तो अगर टीबी की समस्या है, खांसी लंबे समय से रहती है, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में ही जांच कराएं और वहीं से ही मेडिसिन वगैरह लें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है टीबी का बहुत बढ़िया इलाज होता है, ठीक है। तो अगर मुँह से कई कारण हो सकते हैं, हमारे फेफड़ों पर इन्फेक्शन की बिना पर, या दोस्तों फेफड़ों पर सूजन की बिना पर, या फेफड़ों पर एक दोस्तों ऐसा हो जाता है कि बारीक सा सुराख हो जाता है, जो हम किसी भी मेडिसिन से उस सुराख को बंद नहीं कर सकते। वो जो आपके उसका जो इलाज किया जाएगा दूरबीन द्वारा ही इलाज किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी समस्या ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, आप तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, ब्लेड नहीं रुकता है, तो आप तुरंत सही डॉक्टर से सलाह लें और आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। और बाकी अगर गर्मी की बिना पर या पेट में इन्फेक्शन या किसी बिना पर अगर आपको ब्लेड आता है मुंह से, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें, इसके इस्तेमाल से तुरंत ब्लेड आना रुक जाएगा, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपके यहाँ से अगर कोई हाजी हज को जाता है तो वहाँ से सुरमा लेकर आते। सुरमा आपको हज का ओरिजिनल चाहिए, आप एक चुटकी सुरमा लें, लेने के बाद मुंह में फांक लें और उसके ऊपर से आप पानी पी लिया करें। अगर फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन या आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, उसकी बिना पर आपको ब्लेड आता है, तो तुरंत ब्लेड आपका आना रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, गर्मी की बिना पर ब्लेड आता है आपको, तो आप काशी फल कद्दू जो होता है आप कद्दू ले लें, ठीक है। दिन में एक एक खांप आप दिन में दो तीन बार इस्तेमाल कर लिया करें, खाली पेट या नाश्ते के बाद या खाने के बाद, आप किसी भी टाइम इसे रेगुलर खाते रहें, तो इससे किसी भी प्रकार का अगर ब्लेड आता है गर्मी की बिना पर या इन्फेक्शन की बिना पर, तब भी आपका ये ब्लेड आना रुक जाएगा, ठीक है। इन दोनों तरीकों को आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ब्लेड आपका तुरंत रुक जाएगा। नाक से खून आता है तो आप इसे अनानास इस्तेमाल करें, पपीता इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका ये है, चुनिया टूप जो आता है, चुनिया टूप आप ले लें, लेने के बाद नाक में डालने के बाद ऊपर को सूतें, ठीक है। अगर इन्फेक्शन की बिना पर आपके ब्लेड आता है तो ये ब्लेड रुक जाएगा। ये जनरल स्टोर पर मिल जाते हैं, छोटे छोटे चुनिया टूप होते हैं, वो आप ले लें। अगर इन्फेक्शन की समस्या है नाक के अंदर, तो ये आपकी इन्फेक्शन को तुरंत ख़त्म कर देगा, जख्म है तो जख्म को भी भर देगा और नाक से ब्लेड आना रुक जाएगा आपके, ठीक है। दांतों का रहा दोस्तों, अगर दांतों से ब्लेड आता है आपके, तो आप फिटकरी की कुल्ली किया करें,
और दूसरी ये है बबूल के छाल की कुल्लिया कुल्ली किया करें, तो इससे आपका दांतों का ब्लेड आना रुक जाएगा। ठीक है, मसूड़ों से जो ब्लेड आता है वो भी रुक जाएगा। मुंह से किसी भी प्रकार का आपका ब्लेड आता है तो ये जो नुस्खे बताए मैंने, ये जो आपको टोटके बताए हैं, आप इन टोटकों को इस्तेमाल कर लें। इनके इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी आपका मुंह से ब्लेड आना रुक जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा समस्या रहती तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, मुंह से खून आने पर ज़्यादा आप देर ना करें, नाइट लाली ना करें, तुरंत ही आप डॉक्टर से सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट चलाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। दोस्तों बेल आइकन का बटन आप ज़रूर दबाया करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके और उसे इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़रूरतमंदों तक इन उसके पहुँच सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैं इसी तरह की जानकारियां देता रहता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।